राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर दूर अनगड़ा प्रखंड का दुबला बेड़ा गांव, जहां शुद्ध पीने के पानी की समस्या सालों भर बनी रहती है, जहां ग्रामीण चापा नल का गंदा पानी पीने को मजबूर है। पीते हैं, कुछ दिन तो पी रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों में बरसात जो समय आया उस समय धीरे धीरे पानी लाल होने लगा और पीने में सिकराई तरफ लगना लहराइन, तो हम लोग छोड़ दिए पानी पीने के लिए। और घर भी ले जाते हैं पानी तो देखते हैं कि 10-5 मिनट में लाल हो जाता है, इसीलिए हम लोग पानी की यूज नहीं कर रहे हैं खाना बनाने में। तो फिर क्या व्यवस्था है? पानी का पीने का पानी उधर से लाते हैं, बस से जाना पड़ता है। कभी रात पानी करते हैं तो जाते हैं उधर रात को। सरकार जो बहुत सारी पीने का पानी का योजना चला रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी? आपको जानकारी तो नहीं है, नहीं बोला आदमी को, हमको तो मुख्य हमको दो जानकारी नहीं है। आदमी बोला गया था कि यार टंकी डाला था थी मोटर डालना था, तो वो नहीं डाला। आदमी बोला कि काम परिवार को नहीं डाला जाता है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने माना कि दुबला बेड़ा में पानी की समस्या है और इसे जल्द ही सुलझा दिया जाएगा। वहीं हेमंत सरकार इस बार बजट में शुद्ध पीने के पानी के लिए राशि आवंटन भी कर रही है। जिस घर में आपको नल पहुंचाना है वहां ना पहुंचा करके, जहां पे आपको कोड़ना है वहां ना कोड़ करके, आप ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्टर को बेनिफिट देने के दृष्टिकोण से आप काम करिएगा तो विरोध होगा। बहुत अच्छी योजना है, अगर हम 60-70 लाख लोगों को के घरों में अगर हम पानी पहुंचा रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा। रही बात जो विभागीय जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, देखिए 20 साल का जंग है, जंग को थोड़ा छुड़ाने में टाइम लगेगा उसमें। झारखंड पठारी क्षेत्र होने के कारण पीने की पानी की समस्या से जूझता रहा है। केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में ग्रामीणों के लिए योजनाएं बनाती भी रही है, लेकिन शुद्ध जल हर व्यक्ति तक पहुँचे कहना मुश्किल है। रांची से समाचार प्लस के लिए संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।